हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन लेकर आए हैं जिसका नाम है कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने एल्डोल कंडेंसेशन देखा था और साथ ही परकिन रिएक्शन को भी मैं समझाई थी आप लोगों को कि हम उसके प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, साथ ही बेंजोइन कंडेंसेशन को भी हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है और इसके मेकैनिज़म को भी लिखना समझेंगे। ठीक है, तो ये जो कैनिज़ारो रिएक्शन है हमारा, वो एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। क्लियर है, ये डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, यानी उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। यानी हमारा रिएक्टेंट एल्डिहाइड ही है और एल्डिहाइड का जब एक बार रिडक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल, और जब दूसरी बार उसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है, कैसे बनेगा वो मैं समझाऊंगी अभी। देखो, इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्रिटेरिया है जो फुलफ़िल होना चाहिए कि जो भी एल्डिहाइड्स हम लेंगे उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो, मैं समझा रही हूँ आप लोगों को। जैसे देखो, अगर हमने CH3CHO ले लिया, ठीक है, क्या इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है? बिल्कुल है। अल्फ़ा हाइड्रोजन हम किसे कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन है, और नेक्स्ट कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन है हम उसे अल्फ़ा हाइड्रोजन कहेंगे। तो इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तीन अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो क्या इसमें कैनिज़ारो रिएक्शन होगा? नहीं होगा। ठीक है, मैं और एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि आप मान लो हम HCHO लेते हैं, इसका क्या नाम है, फॉर्मल्डिहाइड। क्या इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है? नहीं है, क्योंकि इसके पास अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है। ठीक है, तो इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा। कभी कभी ऐसे भी एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, अल्फ़ा कार्बन तो है लेकिन उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। जैसे कोई एग्जाम्पल, जिसके पास अल्फ़ा कार्बन है और अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, आप एल्डिहाइड ही ले लो, हमने अल्फ़ा कार्बन दिखा दिया। ठीक है, अब इस अल्फ़ा कार्बन पे अगर एक भी अल्फ़ा हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है तो हम उसे कहेंगे कि दिस एल्डिहाइड डज नॉट पजेस एनी अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो इसमें हमारा, सॉरी, ये इसमें होगा, ठीक है, इसमें हमारा कैनिज़ारो रिएक्शन होगा। और ये जो एग्जांपल मैं बताई, इसमें भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो इसमें भी हमारा कैनिज़ारो रिएक्शन होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, एक और पॉइंट याद रखना है कि इसमें जो हम बेस यूज़ करेंगे वो क्या होगा, वो होगा कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कॉन्क NaOH का हम यहाँ यूज़ करेंगे। क्लियर है, देखो इसमें हो क्या रहा है, एल्डिहाइड का मैंने बताया अभी कि एल्डिहाइड एक बार रिड्यूस्ड होगा तो अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, और जब ऑक्सीडाइज होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखो, हमने HCHO ले लिया, ठीक है, HCHO का रिएक्शन आप किसके साथ करवाओगे, हमने दो मोल लिया है फॉर्मल्डिहाइड का, किसके साथ करवाने बोली थी मैं, कि कॉन्क NaOH के साथ करवाएंगे। अब चूंकि ये रिएक्शन हमारा क्या है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो एक बार क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड रिड्यूस्ड होगा तो क्या बन जाएगा, ये CH3OH का फॉर्मेशन करेगा, यानी क्या बन गया, मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, हमारा यहाँ क्या बन गया, मिथाइल एल्कोहल, और जब ये फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट ऑफ एसिड। जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन का हमारा एसिड बनेगा, यानी क्या बन जाएगा, HCOOH, नहीं, मैंने बोला ना कि ये सॉल्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो यहाँ पे हो जाएगा O Na O Na+, यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम फॉर्मेट। क्लियर है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, एक बार ये रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, ये रिड्यूस हो गया, और दूसरी बार क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है, यानी ये हमारा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, तो देखो मैंने एग्जांपल के थ्रू यहाँ समझा दिया कि जब मैं फॉर्मल्डिहाइड लेती हूँ और NaOH के साथ रिएक्शन करवाया हमने तो क्या बना, हमारा मिथाइल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, जब हम बेंजल्डिहाइड लेंगे, अब देखो बेंजल्डिहाइड के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, देखो चेक करते हैं हम, हमने बेंजल्डिहाइड ले लिया, बेंजल्डिहाइड को ऐसे लिखोगे C6H5, ठीक है, C6H5CHO। ठीक है, अब देखो ये हमारा अल्फ़ा कार्बन है, क्या इस अल्फ़ा कार्बन के पास हाइड्रोजन है? नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा। बिल्कुल शो करेगा हमारा ये कैनिज़ारो रिएक्शन, क्योंकि इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो जब इसका हम कैनिज़ारो रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि हम इसको कॉन्क NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखो जब हमने बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन कॉन्क NaOH के साथ करवाया, ये NaOH हमारा कॉन्क रहेगा,
कौन कहने वेज के साथ करवाया, तो एक बार हमको क्या मिला, बेंजाइल एल्कोहल। कब मिलेगा ये बेंजाइल एल्कोहल, जब बेंजल्डिहाइड रिड्यूस्ड होगा, ठीक है। और जब बेंजल्डिहाइड यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड होगा तो क्या मिल जाएगा, सोडियम बेंजोएट मिल जाएगा, ठीक है। अब हम इसके मैकेनिज्म को देखेंगे। जब भी आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट्स आता है लिखने के लिए कि कैनिजाडो रिएक्शन का शॉर्ट नोट्स बताइए, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, तो मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए, लिखने आना चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को भी समझा देती हूँ कि मैं मैकेनिज्म लिखूंगी कैसे, फिर आपको ये सारा डायग्राम समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। देखो, जब भी आप किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखो तो सबसे पहले आपको उस रिएक्शन को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सपोज हमको एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन सा एग्जाम्पल लें, देखो हम यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं C6H5CHO बेंजल्डिहाइड जब कॉन्क NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C6H5CH2OH, ठीक है, यानी जब रिड्यूस्ड होगा तो ये बनेगा C6H5CH2OH, और दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, C6H5COO-Na+, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप आओ मैकेनिज्म हम इसका कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। देखो हम यहाँ बेंजल्डिहाइड लिख लेते हैं C6H5CHO, ठीक है। अब आप इसका अटैक दिखा दो OH- का, जब OH- अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे। जैसे ही इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड क्या करेगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऑक्सीजन एटम की तरफ शिफ्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, देखो C6H5, ठीक है, क्या बन गया, C6H5C, और ये कार्बन क्या हो जाएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन से क्या हो गया, ये सिंगल बॉन्डेड, और O पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, और ये OH- जो अटैक किया उसको हम यहाँ लिख दिए OH, और ये H, ठीक है। अब देखो ये OH- तो फ्रीली नहीं रहा है, इसके साथ तो Na+ भी है, तो ये अब ये Na+ कहाँ जाएगा, तो इस O- के पास जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, एनायन बन गया इसके मैकेनिज्म में। अब क्या करेंगे, देखो हम जो रिएक्शन लिखे थे उसमें हम क्या कर रहे थे, ये 2 moles ले रहे थे बेंजल्डिहाइड, ठीक है, या फॉर्मल्डिहाइड जो भी हम रिएक्टेंट यूज करेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, C6H5CHO के साथ, ठीक है। अब देखो ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये स्टेप काफ़ी स्लो होता है, और इस स्टेप में क्या होगा, हमारा हाइड्राइड का ट्रांसफ़र होगा। कैसे होगा, तो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, फिर से बॉन्ड के फॉर्म में आएगा यहाँ पे, और ये जो हाइड्रोजन है वो अपने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी कह सकते हैं कि ये हाइड्राइड आयन हो गया H-। अब ये हाइड्राइड आयन कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, देखो यहाँ पे अटैक किया, और जैसे ही यहाँ अटैक करेगा फिर से ऑक्सीजन एटम का यहाँ पे क्या होगा, इस बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा ऑक्सीजन की तरफ। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है कैसे क्या हो रहा है। तो अब हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट को लिख सकते हो यहाँ पे, देखो ये तो हाइड्रोजन पूरी तरह से यहाँ से रिमूव हो गया, तो दो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, कौन कौन सा, देखो C6H5, ठीक है, C6H5COOH बन गया, ठीक है, क्या कह सकते हैं इसको हम, C6H5COOH को बेंजोइक एसिड, और दूसरा हमारा क्या बन गया यहाँ पे, देखो ये C6H5, और इस कार्बन के पास ये हाइड्रोजन आ गया, तो एक हाइड्रोजन तो पहले से था, एक और हाइड्रोजन आ गया, तो ये हो जाएगा CH2, और ये O क्या हो जाएगा, O-, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, और O- के पास क्या आएगा हमारा, Na+, ठीक है। लेकिन हमारा प्रोडक्ट में क्या था, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन रहा था और एल्कोहल बन रहा था, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे इस स्टेप में होगा हाइड्राइड ट्रांसफ़र, ठीक है, हाइड्राइड ट्रांसफ़र नहीं, यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा। जब यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे C6H5CO O-, ठीक है, ये प्रोटॉन चला गया इसके पास, ठीक है, तो ये Na+ यहाँ आ जाएगा, O- Na+ प्लस C6H5CH2O, ये प्रोटॉन आ गया इसके पास O- के पास, तो क्या हो जाएगा ये OH, यानी हम यहाँ पे क्या लिए थे, बेंजल्डिहाइड लिए थे, और बेंजल्डिहाइड से क्या बन गया हमारा, बेंजल्डिहाइड से जब एक बार रिडक्शन हुआ तो हमारा बन गया यहाँ पे बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है,
एक बार बन गया बेंजाइल अल्कोहल, और दूसरी बार क्या बन गया यहाँ पे जब ऑक्सीडाइज्ड हुआ तो इसको बोलेंगे सोडियम बेंजोएट। क्लियर है? इस तरह से आप आसानी से इसके मैकेनिज्म को लिख सकते हो। देखो यही ना हो रहा है यहाँ पे, C6H5CHO OH- के साथ अटैक किए, ये स्टेप जो है वो काफ़ी फास्ट होगा, तो हमारा ये एनायन का फॉर्मेशन हुआ। फिर हमने यहाँ हाइड्राइड ट्रांसफर दिखा दिया जो काफ़ी स्लो स्टेप है, जो भी स्लो स्टेप होता है वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो ये हाइड्राइड ट्रांसफर कब होगा, जब हम दूसरा मॉलिक्यूल हम बेंजल्डिहाइड का लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया यहाँ पे, देखो C6H5COOH और साथ में ये C6H5CH2O-Na+। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, तो प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद हमारा क्या बन गया, सोडियम बेंजोएट और बेंजाइल अल्कोहल। इस तरह से जो भी हमारा प्रोडक्ट था उसको हमने बना लिया। तो आप कैनिजारो रिएक्शन समझ गए हो, तो इस तरह से जब आप मैकेनिज्म लिखने का प्रैक्टिस कर लोगे तो आसानी से आप एग्ज़ाम में इससे शॉर्ट नोट्स के रूप में लिख के आ सकते हो। रिएक्शन लिखोगे, रिएक्शन में क्या हो रहा है वो लिखोगे, और मैकेनिज्म को अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो आसानी से अच्छे मार्क्स आप लोग ला सकते हो। साथ ही अगर आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इसमें पूछा जाता है कि विच ऑफ दिस रिएक्शन शोज हाइड्राइड ट्रांसफ़र। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे कि बेंजोइन कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैनिजारो रिएक्शन। या आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर आप कोई कंपटीशन की एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे कि KVS या नीट वगैरह का एग्ज़ाम, तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ दिस रिएक्शन इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन जो है वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो वो हो जाएगा कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, और ये तो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दिस रिएक्शन के लिए इसेंशियल कंडीशन क्या होना चाहिए, तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हमारा जो बेस होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली सॉल्यूशन होगा। इस तरह से आप पूरे रिएक्शन और मैकेनिज्म को समझ गए। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। गुड लक, थैंक यू।